नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री दैनिक पंचांग के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं 23 नवंबर सन 2022 आज का पंचांग लेकर के। आज की तिथिवार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे, कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, शुभ चौघड़िया क्या रहेगी, इन तमाम बातों की जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सूर्य उदय समय की। तो आपको बता दें, आज सूर्य उदय का समय प्रातःकाल 6:52 का रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा सायंकाल 5:21 का। सभी शुभ अशुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। आज राहु काल का अशुभ समय शुरू होगा 12:05 मध्याह्न काल से लेकर के दोपहर 1:27 तक का। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:44 से लेकर के 12:29 मध्याह्न काल तक। गुलिक काल का समय 10:47 प्रातःकाल से लेकर के 12:04 मध्याह्न काल तक। बात शुभ चौघड़िया की करें तो अमृत चौघड़िया का समय आज प्रातःकाल 8:09 से लेकर के 9:29 प्रातःकाल तक का रहेगा। और सायंकाल की बात करें तो 7:05 से लेकर के 10:24 मध्यरात्रि तक कर्मशः शुभ व अमृत चौघड़िया रहेंगे। ध्यान रखिएगा, राहु काल में किसी भी नए व खास काम को शुरू नहीं करना है। अभिजीत मुहूर्त व गुलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं, चौघड़िया काल में विशेष आयोजन करने चाहिए। बात आज के दिशाशूल की करें तो आज उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यानी आज आपको उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के प्रतिदिन उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर से हरे धनिया का सेवन करके ही आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए, निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। बात करें आज के पंचांग की तो आज मार्गशीर्ष माह की 8 प्रविष्टा है। हेमंत ऋतु कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। अमावस्या तिथि पूरे दिन भर व्याप्त रहेगी। आज चतुर्दशी तिथि का क्षय है। आज के बार की बात करें तो बुधवार आज का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र जो कि रात्रि 9:35 तक रहेगा और उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र होगा, जबकि शोभन योग 3:36 तक रहेगा और उसके उपरांत अतिगंड योग होगा। चतुष्पाद करण होगा सायंकाल 5:40 तक और उसके उपरांत किस्तुग्न करण होगा। आज अमावस्या तिथि है तो अपने पूर्वज पितरों के निमित्त आज ही तर्पण इत्यादि करिएगा। अमावस्या के समस्त कृत्य आज ही किए जाएंगे। साथ ही आज से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के संचरण करने वाले हैं। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करना चाहिए। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।